भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम किए है। अब बारी है T20I सीरीज की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। श्रीलंका ने शुक्रवार को खेले गए तीसरे वनडे में भारत को 3 विकेट से हराकर भारत के क्लीन स्वीप करने के सपने को तोड़ दिया था। तीसरे वनडे मैच में भारत श्रीलंका के सामने 226 रनों का लक्ष्य रखा था। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया था। श्रीलंका की तरफ से अभिष्का फर्नांडो ने 73 रनों की पारी खेली थी और श्रीलंका ने 39 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारतीय टीम इस दौरे पर अपने युवा खिलाड़ियों के साथ आई है, जिसमें से अधिकतर खिलाड़ी IPL की देन है। और अब ऐसे में T20I विश्व कप इसी साल होना है, तो भारत और श्रीलंका के बीच T20I सीरीज में सबके नजर इन खिलाड़ियों पर रहेगी। जिस तरीके से वनडे सीरीज में भारत ने 7 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, उम्मीद की जा रही है T20I सीरीज में भी कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग की जिम्मेदारी पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ही संभालेंगे। इसके अलावा मध्यक्रम की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या पर सारी दरोमदार रहेगा। हार्दिक पांड्या पर खास नजर रहेगी क्योंकि वनडे सीरीज में बल्ले और गेंदों से वो खास कमाल नहीं दिखा सके हैं। इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को ही दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में कुणाल पांड्या, दूसरे मैच हीरो दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चाहर और चेतन सकारिया पहले मैच में टीम की प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। आपको बता दें, कोविड महामारी की वजह से T20I सीरीज का सभी मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पीछे स्पिनरों को मदद मिल सकती है। आपको बता दें, 3 मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मैच 27 जुलाई को, वही तीसरा मैच 29 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मुकाबले रात के 8 बजे से खेले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी प्लेइंग 11 हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।